गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, लेट्स कंटिन्यू इन चैप्टर 2, ह्यूमन बॉडी। इन दिस वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस लाइक ए एंड बी पार्ट। नाउ कंटिन्यू इन सी पार्ट। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। हमें क्या लिखना है? ट्रू के लिए टी लिखना है एंड फॉल्स के लिए एफ लिखना है। और क्या करना है? इसको करेक्ट करना है कि ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा, जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसको क्या करना है, ट्रू में करेक्ट करना है। और वो आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ में करेक्टेड आंसर भी मिल जाएगा। यहाँ पे हम ऑनली ट्रू एंड फॉल्स लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रेन सेंड्स मैसेजेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्रेन मैसेजेस सेंड करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यस, ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। तो वी कैन राइट टी। सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड इनहेलेशन। ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। और ब्रीथ आउट को एक्सहेलेशन। तो ये राइट है कि रॉन्ग है? यस, ये राइट लिखा है। ब्रीथ इन, जब हम सांस अंदर लेते तो उसको क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। द स्टेटमेंट इज ट्रू। किडनीज फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस एयर। किडनी ब्लड फिल्टर तो करती है, वो हमें पता है। और वो क्या एयर प्रोड्यूस करती है? नहीं, वो क्या प्रोड्यूस करती है? सब वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? रॉन्ग है ना? तो हम लिखेंगे एफ। और इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट इज किडनी फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस नॉट एयर, यूरिन। फोर्थ वन इज, द एयर वी ब्रीथ इन पास थ्रू अवर नोज, विंडपाइप एंड लंग्स। यस, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? जब हम ब्रीथ इन लेते हैं तो सबसे पहले ये हमारे नोज में से एयर जाती है, फिर कहाँ जाती है? विंडपाइप में जाती है, फिर लंग्स में जाती है। राइट ना? तो ये स्टेटमेंट इज ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट इज, हार्ट हेल्प्स अस टू थिंक। थिंक करने के लिए कौन हेल्प करता है? ब्रेन। तो ये रॉन्ग है ना? हार्ट क्या करता है? पंप्स द ब्लड। फॉल्स। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट। हमें इन दोनों में से
हार्ट में जाता है? नहीं, हार्ट तो पंप करता है ब्लड को। तो ये क्या कहा जाता है? इंटेस्टाइन। सो आंसर इज इंटेस्टाइन। एंड स्पेलिंग इज आई एन टी ई एस टी आई एन ई एस इंटेस्टाइन। बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड वुड लीड्स टू डैश एयर और वाटर पॉल्यूशन। अब हमने जो गार्बेज है उसको बर्न कर दिया, आग लगा दी, तो क्या होगा? धुआं धुआं होगा। या वुड है, लकड़ी है, लकड़ी को हमने आग लगाई तो क्या निकलता है? धुआं। फायर लगाते तो क्या होता है? धुआं निकलता है। तो धुआं का धुआं निकलता है वो कहाँ जाता है? एयर में जाता है। तो कौन सा पॉल्यूशन होता है? एयर पॉल्यूशन होता है कि वाटर पॉल्यूशन? यस, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग। हमें इसमें मैच करना है और ये बीच में जो कॉलम लिखा है हमें उसमें आंसर लिखने हैं कि कौन सा किससे मैच कर रहा है। फर्स्ट स्मोक, चेस्ट कैविटी। स्मोक और चेस्ट कैविटी का क्या रिलेशन है? कुछ नहीं। बोन्स नहीं, एयर पॉल्यूशन। जब हम बर्निंग करते हैं गार्बेज और धूल को तो क्या निकलता है? धुआं। धुआं में स्मोक, और वो स्मोक क्या करता है? एयर पॉल्यूशन। देन वी कैन राइट ओवर हियर वन। नेक्स्ट टिश्यू, चेस्ट कैविटी नहीं, बोन्स नहीं, मेड अप ऑफ सेल्स। टिश्यू किससे बनता है? मिलियंस ऑफ सेल्स को मिलके क्या बनता है? टिश्यू फॉर्म होता है। एन आंसर टू। थर्ड वन इज लंग्स। अब लंग्स क्या करते हैं? लंग्स यहां पे होते हैं जो क्या करते हैं? ब्रीथिंग प्रोसेस में हमें हेल्प करते हैं। लंग्स ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं। और ये कहां होते हैं? लंग्स चेस्ट कैविटी में होते हैं। तो आंसर इज चेस्ट कैविटी। थ्री द किडनी। किडनी क्या प्रोड्यूस करती है? एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस यूरिन। स्केलेटन, स्केलेटन किससे मिलके बनता है? बोन से बनके मिलता है। तो आंसर इज बोन। आई होप आपको ये सारे और थ्री एक्सरसाइज समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में इनको कंटिन्यू करना है और मुझे एक पिक सेंड करनी है। ओके बच्चों, गुड गुड हैंडराइटिंग में लिखना, नीट एंड क्लीन। ओके बाय। कोई डाउट हो तो यू कैन गिव अ कॉल। थैंक यू।